हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म कर दिया था, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में जो था हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री, आज का जो वीडियो उसमें हम लोग करने वाले हेलो एरिन के बारे में। हेलो एरिन क्या है? जिस तरह हमने क्या किया था, अल्काइल ग्रुप से हमने एच निकाल के उसमें एक्स एड किया था और अल्काइल हैलाइड बनाया था, सेम यहाँ करना है आपको। एक एरोमेटिक कंपाउंड में से जैसे कि बेंजीन, उसमें से एक एच रिप्लेस कर देना है एक्स से, तो बन जाएगा आपका हेलो एरिन, ठीक है। चलो देखते हैं वीडियो। सो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा हेलो एरिन और उसको हम एराइल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारा ये है हेलो एरिन का, हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या है ये? एक बेंजीन रिंग है आपका और उस पर एक एक्स लगा है। एक्स हमारा क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ये जो एक्स है वो हैलोजन है, हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन से तो इसने बॉन्डिंग कर लिया इसके साथ। उसके बाद यहाँ बचा है 3 लोन पेयर, 1, 2, 3। तो ये 3 लोन पेयर की वजह से क्या है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना शेयर कर सकता है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग में ऐसा डोनेट कर सकता है, ऐसे रिप्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हमें, ये जो हमारा रीअरेंजमेंट है उसको आगे देखना है रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है। बेसिकली हमारा हैलोजन क्या है? बेंजीन कंटेनिंग हैलोजन। तो अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन में हैलोजन को हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट करवाया है, उसको क्या बोलते हैं? हेलो एरिन। अब जो ये हेलो एरिन है वो होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। अब याद रखोगे कि हेलो एरिन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कहने का मतलब है वो हकेल रूल को फॉलो करेगा, और हकेल रूल आपने 11th में पढ़ा होगा। क्या होता है? 4n+2π इलेक्ट्रॉन होगा इनके पास, 4n+2π इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 1 रखते हैं तो कितना आएगा? 4 × 1 + 2 = 6। दिस वाज इक्वल टू 4, 6 pi इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस कंपाउंड साइक्लिक है, 6π इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंपाउंड क्या बोलेंगे? एरोमेटिक बोलेंगे। साइक्लिक है और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है। तो जितने भी कार्बन है यहाँ पे सबके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। और किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो वो जो कार्बन होता है वो प्लेनर आ जाता है। तो अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, साइक्लिक भी है, 4n+2 रोल को फॉलो भी कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक, ठीक है। अब चलो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा क्या? C6H5X। बेंजीन का होता है C6H6। तो हमने क्या किया है, बेंजीन में से एक एच को रिप्लेस किया है, तो एक एच यहाँ कम हो गया, ठीक है। और फिर हमने एक्स लिख दिया, मतलब एच की जगह पे क्या आ गया? एक्स आ गया है, तो ये हमने लिखा है। अब देख लो, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, 6H होते हैं इसमें, और जो 6H है वो सारे सिमिलर है, मतलब एक जैसे ही है। आप कोई भी एच को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, बिकॉज सारे कार्बन क्या है? सेम है। और जब कार्बन सेम है तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी सारे सेम होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एच को निकाला है, मतलब माइनस किया है, और एक एक्स को प्लस किया, दैट मीन्स एच को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से। तो हमने किसी को भी आप कर लो, मैंने यहां किया है, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज सारे सेम है। तो आपको मिल जाएगा हेलो एरिन, और उसी को हम बोलते हैं हेलो बेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दे तो क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन लगाएंगे ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन लगाएंगे तो आयोडो बेंजीन, ठीक है। तो सारे उसके डेरिवेटिव हो जाएंगे। ये एक्स आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। एक्स हैलोजन है, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया इसका। तो बेसिकली आपको यहाँ क्या रखना है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। अब बेंजीन जरूरी नहीं कि बेंजीन ही हो, टॉलिन का भी हो सकता है। आपका सपोज कर लो टॉलिन है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव भी हो सकता है। हमने क्या किया, यहाँ एक एक्स लगा देंगे तो ये टॉलिन डेरिवेटिव हो गया, मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेसिकली जो हेलो एरिन होंगे वो सारे क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड ही होंगे, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन कितने टाइप में इसको क्लासिफाई किया जाता है? फर्स्ट है इसका मोनो हेलो एरिन, फिर डाई हेलो एरिन,
ट्रायल और इन, और इसी टाइम करते जाएंगे तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, पॉली हेलो अरिन, पॉली हेलो अरिन, ठीक है। मोनोहेलोरिन मतलब जो भी अगर कंपाउंड में सिर्फ एक हैलोजन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोहेलोरिन, दो हैलोजन है तो डायहेलोरिन, तीन हैलोजन है ट्रायहेलोरिन, और पॉली है तो मतलब एक से ज्यादा, सॉरी तीन से ज्यादा है या चार पांच छह कुछ भी ले लो तो किसमें आ जाएगा, पोलो पॉली एलो अरिन, ठीक है। तो बेसिकली हम कितना सिक्स तक रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन कितना है इसमें, सिक्स है ना, तो एक एक करके सारा देखते हैं। पहले देखते हैं मोनोहेलोरिन, तो मोनोहेलोरिन कितने टाइप के हो सकते हैं, एक ही हो सकता है आपका, सी एल हो सकता है, बी आर और फिर आर, ये हो सकता है। तो बेसिकली आपका मोनोहेलोरिन कितने टाइप का हो सकता है, चार टाइप का हो सकते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन और आयोडो बेंजीन, ठीक है। अब देखते हैं डायहेलोरिन कितने टाइप के हो सकते हैं, हाँ अभी एक बात आप नोट कर लो कि जब भी बेंजीन रिंग में अगर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने एक हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन को आपने एक अलग ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, अलग एटम से रिप्लेस कर दिया, तो इसमें ऑर्थो पारा एंड मेटा पोजिशन जेनरेट हो जाते हैं। जब तक इसमें कुछ नहीं किया है तब तो कोई भी पोजिशन जेनरेट नहीं होता है, बट अगर आपने एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दिया, एक रिप्लेसमेंट करवा दिया, उसके बाद इसके जस्ट एडजेसेंट वाले जो होंगे मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, ये बन जाते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ये ऑर्थो है, ये भी आपका ऑर्थो है, और उसके जस्ट नीचे वाला हो जाता है आपका मेटा, ये भी क्या हो जाता है आपका मेटा, और ये क्या बन जाता है आपका पैरा, ये, ठीक है। तो जहां सब्स्टिट्यूशन हुआ है वहां से उसके एडजेसेंट वाले बनते हैं ऑर्थो, उसके बाद वाले बनते हैं मेटा, एंड देन सबसे एक जो बन जाता है आपका नीचे लोअर डाउन वो बनता है आपका पैरा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि मैं अगर सब्स्टिट्यूशन यहाँ करूँ, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है बार बार कि सर अगर सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ करवा लिया ये, ठीक है, तो तब क्या अभी ऑर्थो इसको ही बोलेंगे, नहीं इसके एडजेसेंट वाले को बोलेंगे, ठीक है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ करवाया है, अब ये पोजिशन ऑर्थो हो गए, ये हो गया ऑर्थो दोनों, ये बन गया मेटा और ये बन गया पैरा। तो जहां भी सब्स्टिट्यूशन करवाओगे उसके करस्पॉन्डिंग देखना है आपको कि सब्स्टिट्यूशन कहां करवाया गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कहीं भी सब्स्टिट्यूशन दे। हम लोग जनरली क्या देखते हैं, हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जब भी टीचर लेक्चर लेते हैं बुक में, हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, बट एग्जाम में अगर ऐसा कोई देता है कंफ्यूज आते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी हो सकता है ये सब्स्टिट्यूशन, कहीं भी हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पोजिशन फाइंड आउट करने हैं। दो ऑर्थो होते हैं, दो मेटा होते हैं, एक पैरा होता है, ठीक है। चलो यहां क्लियर हो गया। अब जो हम देखते हैं कि कितने टाइप के हो सकते हैं डायहेलो, तो डायहेलो जो है हमारा वो अगर हम एक ये पॉसिबल है, दूसरा ये पॉसिबल है, एंड थर्ड वन ये पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल है, अगर आप बोलोगे यहां और यहां करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर यहां और यहां करेंगे तो ये मैच कर जाएगा, तो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 1-2 डायहेलो अरिन, ठीक है, इसको 1-2 डायहेलो अरिन बोलेंगे या फिर ऑर्थो डायहेलो बोलेंगे, ऑर्थो डायहेलो अरिन 1-2 क्यों, क्योंकि एक दूसरे करस्पॉन्डिंग कितने पोजीशन पे है, 1-2, यहां से काउंट करो 1-2, ठीक है, इसलिए बोलते हैं 1-2 डायहेलो अरिन, या फिर इसको अगर हम ऑर्थो पोजिशन ऑर्थो मेटा पैर के टर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्थो डायहेलोरिन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो 1 और 3 पे है, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, तो इसको क्या बोलेंगे 1-3 डायहेलोरिन, 1-3 डायहेलोरिन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे पे मेटा है ना, ये इसका मेटा पोजिशन पे, ये मेटा पोजिशन पे, तो मेटा डायहेलोरिन, ठीक है। फिर यहां आते हैं, इसको देखो 1-2-3-4-5-6 कितने पे, 1-4 पे, 1-4 डायलो अरिन बोलेंगे या फिर पैरा डायलो अरिन बोलेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका डायलो, तो 4 टाइप आपको मिला। अब ये यहाँ भी अलग अलग हो सकते हैं ना, यहाँ फ्लोरिन हो सकता है, क्लोरिन हो सकता है, जैसे अगर
चलो ये हो गया। मैं एक को रिप्लेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि दोनों आइटम सेम हो, दोनों अगर फ्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन या फिर ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 1,1 फ्लोरो 2 क्लोरो बेंजीन, 1,4-2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ऑर्थो फ्लोरो क्लोरो बेंजीन, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो तो ऑर्थो पोजिशन पे आना चाहिए, तो अगर यहां से काउंटिंग करोगे तो आ जाएगा ऑर्थो पे, यहां से काउंटिंग करोगे तो आ जाएगा ऑर्थो पे, ठीक है। लेकिन आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको सबसे पहले किसको नंबरिंग करना है, सबसे पहले हम करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा इसको नंबरिंग करेंगे, फिर इसको करेंगे, या फिर सॉरी अल्फाबेट के ऑर्डर में चलते हैं ना, तो पहले एफ सी आता है तो क्लोरो देन फ्लोरो, ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग करना है। तो कहीं से भी करोगे तो पोजिशन इसका ऑर्थो ही आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, इसी तरह मेटा में भी हो सकता है, दोनों सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसके बेसिस पे नेमिंग करना हमको। तो ये तो क्लासिफिकेशन था, और क्या हो सकता है, ट्रायलो हो सकता है सर, एक्स एक्स एक्स, इसको क्या बोलेंगे, 1,3,5 ट्राय हेलो अरे, ठीक है, कितने थे पोजिशन पे, 1,2,3,4,5 1,3 और 5 पोजिशन पे, 1,3,5 ट्राय हेलो अरे। यहां भी हो सकता है ये तीनों सेम हो, दो सेम हो, एक अलग हो, तीनों अलग हो, ठीक है, तीनों डिफरेंट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ कितने टाइप की पॉसिबिलिटीज है, तीन टाइप के, तीनों पहले फर्स्ट में सेम हो, सेकंड में यहां लिखो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, या फिर ये फ्लोरीन रहे, ये भी फ्लोरीन रहे, ये क्लोरीन हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ पर आइडिंग या ब्रोमीन कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है तीन टाइप का। नेक्स्ट है आपका पॉली, पॉली कितने टाइप का हो सकते हैं, पॉली बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे आप रिप्लेसमेंट करवाओगे, तो अगर हम नॉर्मल ऐसा लिखे तो बिल्कुल ऐसा लिख दिया हमने, क्या हो जाएगा ये, अगर नंबरिंग करेंगे तो कहीं एक तरह सेट से करना होगा हमको, ये थोड़ा यहां से करते हैं 1,2,3,4,5, ठीक है, 1,2,3,4, 1,2,3,4,5, 1,2,1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5, 1,2,3,5 टेट्रा हेलो अरिन हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप क्या, यहां भी पॉसिबिलिटी क्या है कि चार वाले जन सेम हो, चार वाले जन डिफरेंट हो, या फिर दो सेम दो डिफरेंट, तीन सेम एक डिफरेंट, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं ये फिर, ठीक है। तो ऐसा होता है इसका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप के देख लिए, मोनो में देख लिए, डाय में देख लिए, ट्राई में देख लिए, टेट्रा हो गया, टेट्रा मतलब पॉली हो गया, ठीक है, और भी हेलोजन हम रिप्लेस करवा सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो है हमारा, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हाँ, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन डिसाइड करना सीख गए, और प्रैक्टिस करना है अलग अलग पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट करवा के ऑर्थोमेटा एंड पैरा फाइंड आउट करने के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हेलोरिन, बोलो सर, ये तो देखा हमने अल्काइल हैलाइड, तो वो अल्काइल हैलाइड में देखा, अल्काइल हैलाइड होता है आर एक्स, मतलब यहाँ होता है कार्बन, लिख देते हैं यहाँ होता है कार्बन, और वो होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी होता है सिंगल बॉन्ड, बट अरिन में क्या है, ये आपका बेंजीन और ये है एक्स, और यहाँ है लोन पे, लोन पे यहाँ भी है। तो इसका क्या देखा था कि पोलर नेचर का होता है, यहाँ डेल्टा प्लस यहाँ डेल्टा माइनस होता है, ये देखा था हमने। यहाँ भी क्या है, अगर आप वैसे कंसीडर करोगे तो कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा प्लस आना चाहिए, मतलब पोलर तो ये भी मॉलिक्यूल है, बट डिफरेंस क्या है, क्यों फिर से हमको इसको पढ़ना पड़ रहा है वो देखो, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई भी रेजोनेंस होगा नहीं, सिंगल बॉन्ड में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस कहाँ होता है, पाई रहे और बीच में सिंगल बॉन्ड रहे और फिर लोन पेयर हो, ठीक है, तो ये यहाँ आता है, ये ऐसा चला जाता है, या फिर ऐसा हो पाई रहे माइनस रहे, ये यहाँ आएगा ये चला जाएगा, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ प्लस रहेगा ये भी रेजोनेंस करेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल होगा तब एक इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस करेगा, ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटीज होते हैं कब, जब एक पाई और बीच में सिग्मा और तब कोई चार्ज हो या कोई फिर से पाई बॉन्ड हो, यहाँ अगर पाई बॉन्ड होगा तो वो भी रेजोनेंस करेगा,
ठीक है, ये अगर यहाँ गया तो ये इधर चला जाएगा कहीं पे, ठीक है, किसी एटम पे। तो यहाँ बात आती है रेजोनेंस की, यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट था बट यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों होता है, इसीलिए इसका नेचर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं पिक्चर। तो देखो ये जो हमारा हेलो बेंजीन, यहाँ लिख लो आप एक्स, ठीक है, अभी क्या है ये दो इफेक्ट काम करता है। अब हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट अप्लाई करेगा, कौन सा माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना, इसलिए माइनस आई इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। तो पहला इफेक्ट इसका क्या है, माइनस आई इफेक्ट। दूसरा जो इसका वो है रेजोनेंस का, प्लस आर, ये है एक्स, यहां आ गया आपका ये लोन पे, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे हम तो क्या होगा, यहां गया डबल बॉन्ड, एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस और यहां आ गया माइनस, ठीक है। अब फिर ये माइनस, अब देखो पाई बॉन्ड है बीच में एक सिग्मा है और फिर माइनस आ जाए, ये भी रेजोनेंस करेगा और फिर ये आएगा यहां पे, ठीक है। ये सिंबल बताया था आपको जब मैं बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड और टाइप्स ऑफ एरो के बारे में बता रहा था, वो एक वीडियो बनाया मैंने कौन से एरो को क्या बोलते हैं। ये जो एरो था वो पर रेजोनेंस रिप्रेजेंट करता था, देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, ये आपका आ गया क्या डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे माइनस चार्ज और ये आपका है प्लस, यहाँ पे लोन पे तो रहेगा ही, ठीक है। फिर इसको आगे भी कर सकते हैं, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा ये आपका आएगा यहाँ। तो मैं एरो यहां से लेकर के जहां डाल रहा हूँ वहीं पे बॉन्ड बनेगा या फिर माइनस चल जाएगा, ठीक है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है शो करना, तो ये आपका एक्स, यहाँ माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया प्लस। फिर क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ करूंगा तो वापस यही बन जाएगा हमारा फर्स्ट वाला कंपाउंड, तो लगा देते हैं ये बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये वापस ओपन हो गया, तो आपको क्या मिलेगा वापस, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी पाई बॉन्ड इसमें देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ था, यहाँ नहीं है, अभी यहाँ आ गया है, ठीक है। जहां जहां पाई बॉन्ड था वहां वहां नहीं है और यहाँ नहीं था वहां है, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड था इसमें, लेकिन इसमें यहाँ ना होकर यहाँ आ गया, यहाँ पे था यहाँ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इससे हमको कंक्लूजन क्या निकालना है कि देखो हमारा जो आर एक्स है, ये मैं रब करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। और ध्यान देखना कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, तो देखो नेगेटिव चार्ज आया है, ये क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, ये ऑर्थो पोजिशन है, ऑर्थो पे आया है, इसमें देखो ये पैरा पोजिशन पे और ऑर्थो, मतलब दो ऑर्थो और एक पैरा पे आया है इलेक्ट्रॉन, मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, ठीक है। तो अगर हम आर एक्स की बात करें और अगर हम ए आर एक्स मतलब आर आई का बात करें, तो यहां जो है हमारा ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के चांसेस नहीं है, बट यहाँ क्या होता है डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है और इसमें जो है सी एक्स बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो हेलो अरिंग में सी एक्स बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब डबल बॉन्ड एपियर हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट सी एक्स बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सी एक्स बॉन्ड क्या होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सी एक्स बॉन्ड स्ट्रांग होने से क्या प्रॉब्लम है, अभी हम क्या कराते थे जैसे नॉर्मल आर एक्स में लेते थे, एक न्यूक्लियोफाइल आता था यहाँ पे अटैक करता था, ये बाहर निकल जाता था और हमको कंपाउंड मिल जाता था ऐसा, बट यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहोगे कि OH- आएगा और यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा और कंपाउंड बन जाएगा हमारा दूसरा, लेकिन यहाँ स्टेप में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल हो देखते हैं, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैक करेगा
तो इस बॉन्ड को क्लिप करना पड़ेगा। यहाँ इसलिए क्लिप हो गया था इसलिए क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड था, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्लिप करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इजिली क्लिप नहीं होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियर फाइल आ करके यहाँ अटैक करके इस बॉन्ड को क्लिप नहीं कर सकता है। तो इससे क्या कर, ये हो गया, इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, कंक्लूजन ये है ड्यू टू डबल बोन कैरेक्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में लिखा हुआ सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज not occur easily in halo-aryl, क्या होता है, easily नहीं होता है, ठीक है। और एक बात, दूसरा रीजन क्या है, फर्स्ट तो रीजन हो गया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया इसके लिए इजिली नहीं हो रहा है, दूसरा रीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां उसको पॉजिटिव चार्ज दिखता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम रहता है, तो अगर यहाँ अटैक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां कम दिखना चाहिए उसको, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है बेंजीन रिंग में, ये हैलोजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग में पहले से तो इलेक्ट्रॉन कुछ था, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास भी है, तो ये जब यहाँ आके अटैक करना चाहेगा तो उसको पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, लेकिन उसको अटैक वहां करना था जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, इसीलिए यहाँ अटैक नहीं कर पाता है। तो दो रीजन है, पहला तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है जिसकी वजह से अटैक नहीं कर पाता है, और बाय चांस अगर करना भी चाहे, अगर सपोज करो कर भी दिया तो ये बॉन्ड को वो क्लेम नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई एरोमेटिक रिंग में कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली नहीं होता है। करवाते हैं हम कुछ अलग से कंडीशन अप्लाई करके, कुछ अलग से ग्रुप ऐड कर देंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तब हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे हम अल्काइल हैलाइड में करवाते थे वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो अगर हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक इजिली करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आएगा अटैक करेगा इसको बाहर निकालेगा, बट न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं सकता है, तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ऐसे कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में या फिर हैलो एरिंग वाले टाइप कंपाउंड में इजिली नहीं होता है, ठीक है। चलो नोट करो, यहां ये आपका हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखने हैं, वो क्या देखना, देखो ये जो हमारा हेलो ऑरिन है, अभी हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता था, अगर ये एक्स है रेजोनेंस जब करवा रहे थे हम, तो इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता था, ये रहा, मैं यहां सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर आप पेज से जाके देखना, ठीक है, कहाँ कहाँ आया था मेरा नेगेटिव, दोनों ओर से एक पैरा पोजिशन पे आया था। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, जैसे सपोज कर लो इलेक्ट्रोफाइल कोई आया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास कम होता है या प्लस चार्ज होता है वो होता है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ पोजिशन बहुत है, यहाँ पे पोजिशन है, ये पोजिशन मतलब सिक्स पोजिशन है, सिक्स पोजिशन में से अटैक वो तीन ही पोजिशन पे कर सकता है, थ्री पोजिशन पे ही कर सकता है, कहाँ कहाँ, दोनों ऑर्थो पे कर सकता है या फिर पैरा पे कर सकता है, मेटा पे नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, ज्यादा है नहीं, वहां कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है और दोनों ऑर्थो पोजिशन पे और एक पैरा पोजिशन पे, इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होगा, तो कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब कहां के एच को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो और पैरा के एच को रिप्लेस करेगा, एच तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे ये आके कहां ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ऐड होगा, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, ये एक्स तो यही रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां आ गया या फिर इलेक्ट्रोफाइल यहां आ गया, या फिर होता था दोनों जगह पे आ जाए, कुछ कंपाउंड में दोनों जगह पे आके ऐड हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपको मिलेंगे कहां पे, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव ही बनेंगे, कभी भी मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल हेलो अरिन में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा रेजोनेंस करते टाइम मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है वहां ये क्यों जाना चाहेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको वो पोजीशन चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई मिलता है ऑर्थोन पैरा पोजीशन पे, इसीलिए कहां बैठा रहता है ऑर्थोन पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो हेलोरिन में ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव रिएक्शन करते हैं, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब सपोज करो अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा, सपोज करो हमने क्या किया, कुछ कंडीशन अप्लाई करके न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाया, कहां पे करवाएंगे, जैसे अभी क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है तो न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पा रहा है। अब हमने क्या किया, कोई एक NO2, सपोज करो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो लेंस से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कर लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, कम कर देगा तो हाइड्रोजन वहां अभी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो तो यहाँ बैठा है, कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा मैं अटैक करूंगा, तो कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन वाले कंपाउंड पे, यही पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको थोड़ा पहले से डेल्टा प्लस था लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ नहीं जा पा रहा था, अभी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो इसका डेल्टा और बढ़ गया, डेल्टा प्लस और बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इसका वो इसी पोजिशन पे होगा, जिसको बोलते हैं इप्सो, मतलब सब्स्टिट्यूशन इप्सो पोजिशन किसको बोलते हैं, जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है अगर वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है या फिर कोई भी बाहर वाला ग्रुप आके ऐड हो रहा है तो उस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। तो यहाँ इप्सो पोजीशन पे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल इप्सो पोजीशन पे आके अटैक करेगा, ठीक है। और क्यों करेगा, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, अब सपोज को एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगा, ये और फास्ट आके अटैक करेगा, और जितना फास्ट आके ये अटैक करेगा उतना ही फास्ट हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, नोमेनक्लेचर सिंपल है इसका, हेलो अरिन, ठीक है, हेलो अरिन कॉमन और आईपीएसी दोनों सेम ही है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ऐसा बोलते हैं, या बेंजीन ब्रोमाइड बेंजीन क्लोराइड ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, तो नोमेनक्लेचर इसका सिंपल है, नोमेनक्लेचर टेंशन नहीं है। हाँ, अभी नेक्स्ट है इसका, हमने फिर क्या दिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, बहुत सारे टाइप के, मोनो में चार टाइप के हो सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल तो है नहीं, फिर डायमे में बहुत सारे हो सकते हैं, मेटा पैरा एंड मेटा पैरा एंड ऑर्थो, ऑर्थो क्या बोलते हैं, वन टू बोलते हैं, मेटा को वन थ्री बोलते हैं, पैरा को वन फोर बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने ट्राई भी देख लिया, ठीक है, ट्राई में भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, टेट्रा में भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इसका, वो आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा ऑर्थो पोजिशन है, कौन सा मेटा, कौन सा पैरा, ठीक है, कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट दे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही देखना है, ऐसा नहीं आपको बुक में ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एग्जाम में अलग आगे तब उसको नहीं कंसीडर कर पाओ, तो आप अलग अलग डिराइव करके देखोगे पहले। फिर हम देखा नेचर ऑफ सीएस बोन, नेचर ऑफ सीएस बोन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डबल बोन कैरेक्टर आता है, उसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शन जो है अल्काइल एलाइड से डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, अल्काइल एलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली हो जाता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स हमने देखे ड्यू टू सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करोगे, और नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड तो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आगे जितने भी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सारा डिपेंड करता है इसके नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पे, ठीक है, चलो। हाँ, और एक बात और याद रखना है कि एक्स जो है यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट अप्लाई करता है, माइनस आई, मतलब जब माइनस आई से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है और प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है ना, तो जब देता है कोई पाई बॉन्ड पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं प्लस आर, मतलब प्लस रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो प्लस रेजोनेंस अप्लाई करता है और माइनस आई दोनों एक साथ अप्लाई करता है, लेकिन अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, बट इस केस में उल्टा होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है रेजोनेंस इफेक्ट से, ऐसा क्यों होता है ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढ के लाओगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में तो बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट पावरफुल हो जाता है रेजोनेंस के रीजन में, बाकी सारे जितने भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे उसमें ये रूल फॉलो करेंगे कि रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, एंड हाँ, अगर आपको लगता हो वीडियो यूजफुल है तो आप प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड कमेंट करो, ठीक है, अगर आपको कुछ कमी लगता है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।